देख सकते हो जाली भी फिट हो गई और मोटर भी फिट हो गई इसके अंदर। अब इसके अंदर तुम डाल के है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडई i10 के बारे में। इसमें प्रॉब्लम है मिसिंग की, जो इसको प्रॉपर तेल नहीं मिल पा रहा है। आपको दिखाने के किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आती है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो मिसिंग टाइम में करती है, तो इसको प्रॉपर तेल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको दिखा देंगे किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आप एडिट फिटिंग बताएंगे आपको किस तरीके से इसका करना चाहिए। तो मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दे रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। फिर पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देना, फिर आपको प्रॉब्लम के बारे में दिखा देंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक, पहले स्टार्ट करके आपको दिखा देंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो ये वाला इंजन है इसका, इसका इंजन है, ये सेंटर वाला इंजन है। तो अब इसको हम आपको दिखा दें, पहले गाड़ी स्टार्ट कर दें। ठीक है, टल कर दूँ पहले और स्विच ऑन है। ये देखिए, ये है, रेस नहीं पकड़ रही है, ये फट फट कर रही है, मिसिंग कर रही है ना। ये देखिए है, इसको प्रॉपर तेल नहीं मिल पा रहा है। पंप मोटर है वो गड़बड़ कर रही है, तो हमको पता है फिल पंप मोटर गड़बड़ करने लगती है तभी ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले ये सीट हटा दी थी, और ये हटा दे रहे हैं। इसमें जो चिपका होता है इसको हम पहले हटा देंगे कवर को, फिर आपको दिखा रहे हैं। ठीक, इसको हटा के फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। खोल दिया था, हमने दिखाने पर 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, यहाँ पर पाइप लगता है और यहाँ पर पाइप लगता है वाला। ठीक है, दो पाइप लगते हैं इसमें। तो ये आपको मोटर दिखा दें, मोटर निकालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर ये मोटर होती है अंदर, तो आपको बता दें किस तरीके से निकलती है। इसके जो खाँचे होते हैं, ये जो खाँचे होते हैं इनको हटाना पड़ता है, और ये नीचे का सिस्टम आग इधर आ जाता है और ये ऊपर आ जाता है, और इसका एक सॉकेट होता है जो यहाँ पर होता है। तो इसको दाब के, यहाँ पर लॉक होती है पेचकस से, दाब के यहाँ पर होती लॉक है अंदर, इसको लॉक होती है, इसको दाब के आप इसको ऊपर निकाल सकते हो। ठीक, अभी हम इसको निकाल रहे हैं बाहर, फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक, इसको हम बाहर निकाल ही लेंगे, फिर अभी आपको दिखाई देंगे मोटर किस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने खोल दिया है मोटर, तो मेरे हाथ में आपको पता है एक हाथ से मैं काम करता रहता हूँ, एक हाथ में मेरे मोबाइल लेता है, तो एक हाथ से कुछ बनता नहीं। आपको पता है मोटर एक हाथ से निकलती नहीं है। तो ये है मोटर इसकी, तो इसमें प्रॉब्लम है, तो इसकी फिटिंग है ये सारी। तो देख सकते हो इस तरीके से होता है, ये यहाँ पर मोटर फिट होती है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से फिट होती है। और ये जाली, इसकी जाली गंदी है काफ़ी, इसको जाली को हम साफ़ करेंगे और मोटर चेंज करेंगे। ठीक, तो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो मिसिंग आपको मैंने बताया था किस तरीके से मिसिंग हो रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से देख लो, ये हो गया, ये हो गया, और ये खुलता है, ये खुलता है। तो इसकी मोटर हम चेंज कर देंगे, फिर अभी आपको बताएंगे किस तरीके से इसको फिट करना चाहिए। ठीक है, तो मोटर हम चेंज कर दें, और ये इसकी जाली है, इसको साफ़ करके मोटर फिट करेंगे, फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इसको फिट करने जा रहे हैं हम। तो ये इसकी न्यू मोटर है, न्यू जाली है, ये पुरानी मोटर है, पुरानी जाली है, तो पुरानी जाली नहीं लगाएंगे, न्यू जाली लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइड में हटा लो, इसका कपड़ा निकालेंगे बाहर, और ये रबड़ इसकी बाहर निकालेंगे, इसको रबड़ को निकाल के इसमें रबड़ में पहले सबको दिखा देंगे। ये इसकी न्यू है। ठीक है, बॉस की है, तो इसको निकाल देंगे, यहाँ पर पड़ेगी वो वाली रबड़ को डाल के आगे फिर आपको दिखा रहे हैं और बता ही दें आपको किस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो इसको फिट करने जा रहे हैं। ये जो खाँचे होते हैं, ये खाँचे वो इस रबड़ में बैठ जाते हैं, ये रबड़ का खाँचा है। तो यहाँ पर एक कट बना है, यहाँ पर एक कट बना है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक खाँचे में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बैठा के इसमें बैठा देंगे, इस तरीके से बैठेगी है, और वो जाली लग जाएगी, इसको जाली हम नीचे बैठा लेंगे, और ये यहाँ पर जाली फिट होती है, ये होता है, और ये वाला पाइप इसके अंदर चला जाता है यहाँ पर, और ये जो खाँचे होते हैं, जो खाँचा होता है इसमें, देखिए हल्की सी लॉक पड़ी होती है, वो लॉक इसमें टाइट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लॉक टाइट हो जाती है, ये निकलती नहीं है, तो हम इसको लॉक को बैठा लेंगे, और ये इसका कवर हटा दे रहे हैं, ये कवर है, इसको हटा देंगे। ठीक, और इसमें बैठ जाएगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें बैठा देंगे, यहाँ से खींचता है, इस पाइप से आता है, इसमें फ़िल्टर होके इसमें जाता है, इसमें से आता है, इस यहाँ पर फ़िल्टर होके फिर जाता है आगे। ठीक है, तो इसको हम बैठा देंगे, इसमें साफ ऑफ करके बैठा देंगे, फिर आगे आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। कि हमने ये जाली फिट कर दी है, देख सकते हो जाली भी फिट हो गई और मोटर भी फिट हो गई इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डाल के और इसके अंदर बैठा देंगे, फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर डाल के बैठा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक है, डाल के बैठा देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने फिट कर दिया, और यहाँ पर एक लॉक होती है, एक यहाँ पर लॉक होती है, और एक यहाँ पर एक लॉक होती है। ठीक, तो इसको निकलने नहीं देती है। ठीक है,
तो इस तरीके से लॉक कर दिया मैंने, दाब के बैठा दिया है। और इसको हम फिट कर देंगे अब इसको कैप को, ये कैप है और इसका वो जो पेट्रोल बताता है लीवर ही है, तो इसको हम फिट कर देंगे। इसका एक सॉकेट होता है और एक मोटर का सॉकेट होता है, एक यहाँ पर सॉकेट लगता है, एक यहाँ पर सॉकेट लगता है, ठीक। तो इसको हम फिट करके फिर आगे फिटिंग आपको दिखा देंगे, ठीक, समझा भी देंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी प्रॉब्लम कब आती है जब पाइप फट जाता है, तो इसकी प्रॉब्लम कब आती है, ठीक, इन दोनों की प्रॉब्लम बता देंगे कैसे होता क्या नहीं होता, ठीक है। तो इसको फिट करके फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको फिट कर दिया। ये इसकी लोकें होती हैं, ये लॉक हो गया यहाँ से। तो ये कवर तो मैंने फिटिंग कर दिया था, आपको दिखा दिया था मैंने पहले, ठीक, देख सकते हो। एक पाइप होता है, ये पाइप भी मैंने लगा दिया है और इस तरीके से होता है। इसको वहाँ पर फिट कर देंगे हम। और एक पाइप, ये वाला पाइप होता है, एक पाइप होता है, सॉकेट होता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता। और ये 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, प्लेट लग जाती है, और तेरी ये वाली प्लेट इस तरीके से लगती है, 2 खाँचे होते हैं इसमें, इस तरीके से लग जाएगी। एक रबड़ रिंग होती है, यहाँ पर रबड़ होती है, वो लगा देंगे हम। एक रबड़ होती है और ये प्लेट ऊपर से लगती है। तो इसको फिट करके जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, समझा देंगे। और पहले बता दें आपको, ये वाला जो पाइप होता है, मेन पाइप जो ऊपर आता है, वो इसका होता है प्लास्टिक का पाइप होता है, ठीक है। तो इसको इसके बारे में बताएंगे और मोटर के बारे में बताएंगे। मैंने आपको पहले बताया था, इसके बारे में बता देंगे, उसके बारे में बता देंगे, ठीक। ये मेरा रबड़ बता रहा था, ये वाली रबड़ है, ये होती रबड़, ठीक। इसके नीचे रबड़ लगती है और ये लगती है, ठीक, ऊपर से, ये नीचे से लगती है। पेट्रोल जैसे छलके ना, उसके लिए सपोर्ट के लिए होती है, ठीक। इसको फिट कर देंगे फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं, ठीक। जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर आपको दिखा रहे हैं। फिटिंग हमने कर दी, पाइप लगा दी दोनों और इसका सॉकेट भी लगा दिया। अब गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखा दें एक बार। गियर न्यूट्रल और ये स्विच ऑन हो गया। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, ओके, कंप्लीट है। तो देख लिया आपने, बिल्कुल कंप्लीट है, रेस अच्छे से पकड़ रही। पहले रेस लेते तो मिसिंग फट फट की करती थी, तो अब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बता दें किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फिट करना चाहिए मोटर, क्या प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम एक और होती है, तो इसका जो मेन पाइप होता है, जो मैंने आपको बताया प्लास्टिक का होता है, वो जब लीक कर जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हल्का सा फट जाता है, सेंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाली, जो पाइप फटता है इसमें मोटर की प्रॉब्लम आती है, इसमें सेंटर की पाइप की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होना चाहिए। तो वीडियो क्या है, समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।